पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने भाग लिया था। द्रौपदी कन्या के स्वयंवर में कई देशों के राजा और राजकुमार आए थे, पर केवल अर्जुन ही स्वयंवर में द्रौपदी को पा सके थे। समय और वचनों के कारण द्रौपदी को आगे सभी पांडवों से विवाह करना पड़ा। द्रौपदी समय समय पर पांचों पतियों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी ने एक एक वर्ष के अंतराल से पांचों पांडवों के एक एक पुत्र को जन्म दिया था। इस तरह द्रौपदी के पांच पुत्र थे। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर द्रौपदी पांचों पांडवों में से सबसे ज़्यादा प्रेम किस पांडव से करती थी। तो आइए जानते हैं महाभारत की कुछ ऐसी घटनाएं जिनसे पता चलता है कि द्रौपदी भीम से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली घटना, जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज़्यादा क्रोधित भीम हुए थे और उन्होंने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सबसे ज़्यादा क्रोध भीम को ही आ रही थी। जब युधिष्ठिर सहित अन्य पांडव चुप थे, भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जांग उखाड़ दूंगा। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा किया। दूसरी घटना, राजा विराट के राजमहल में पांचों पांडव भीष बदल कर एक साल के अज्ञातवास में रह रहे थे। इसी दौरान राजा विराट के साले कीचक ने कामांध होकर द्रौपदी को देखा और उसे रात को अपने कक्ष में अकेले बुलाया। यह बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम ने कीचक का वध करने का प्रण लिया और रात के समय द्रौपदी की जगह खुद कीचक के कमरे में पहुंच गए। द्रौपदी समझकर जैसे ही कीचक ने भीम को हाथ लगाया, भीम ने कीचक को उठाकर पटक दिया। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने कीचक का वध कर दिया। तीसरी घटना, जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद पांडव जब वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। भीम ने तब जयद्रथ की खूब पिटाई की और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मुड़वाकर उसको पांच चोटी रखने की सजा दी और जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। चौथी घटना, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहाँ इंद्र आदि का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में भीम ने द्रौपदी का पूरा ध्यान रखा। कठिन चढ़ाई और कांटे भरे रास्तों में हर जगह भीम ने द्रौपदी को हर संभव सहयोग किया। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे, वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने उस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया। कहते हैं कि माड़ा गांव में सरस्वती के उद्गम स्थल पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर ये क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। जनश्रुतियों के अनुसार स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी भी ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाई और वह भी गिरने लगी। ऐसे समय भीम ने द्रौपदी को संभाला। उसी समय द्रौपदी ने कहा, सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूँगी। तो इस प्रसंग में दोस्तों हम लोगों ने जाना कि द्रौपदी भीम से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी और भीम भी द्रौपदी से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। दोस्तों, आपको इस प्रसंग के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और महाभारत के अनसुने प्रसंग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।